हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको आपके चैनल ड्रीम इंडिया रेलवे पे। तो दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि जिस वैकेंसी की हमारे स्टूडेंट बहुत दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, उसकी जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, बताते हैं कि ये कौन सी पोस्ट है और इसकी जो है क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और क्या एग्ज़ाम फी रखी गई है और एज डिलेशन, सारी डिटेल्स आपको बताते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ SSC जो है GD की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि CAPF, NIA, SSF, आसाम राइफल रिक्रूटमेंट है। ये जितनी पोस्ट है इस सभी की निकल के आई है पोस्ट। तो यहाँ देखिए, आपको एप्लीकेशन फ़ी जो है वो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये रखी गई है, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 0 है, और ये जो फिजिकल हैंडीकेप है उनके लिए भी 0 रखी गई है। बस ये आपकी एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ी की बात हो गई। अब इसमें पेमेंट, जो इसकी पेमेंट कर सकते हैं आप लोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी भी तरह से आप कर सकते हैं, और इसमें चालान के थ्रू भी कर सकते हैं आप। अब इसकी जो है डेट्स जो है वो आपको बताते हैं कि जिसको ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया, आपको 17 जुलाई से स्टार्ट होने वाली है, और जिसका जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो आपकी 31 अगस्त है। जब आपको, आप लोग ध्यान दीजिए कि 31 अगस्त है आपको रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, तो आप लोग इससे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बाद में साइट में प्रॉब्लम आ जाए। और इसकी जो फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट है वो आपको 2 सितंबर रखी गई है, और इसकी जो फी पेमेंट की लास्ट डेट जो ऑफलाइन वाली है ये आपकी 2 सितंबर ऑनलाइन वाली है, और ये जो है 4 सितंबर जो है ऑफलाइन वाली है। और इसकी एग्ज़ाम डेट जो है अभी आई नहीं है, जो कि जल्दी ही आपको मिल जाएगी इसकी नोटिफिकेशन। और इसकी जो एग्ज़ाम फ़ी और इसकी एडमिट कार्ड, ये दोनों अभी आई नहीं है, क्योंकि अब आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है SSC की उसमें आपको मिल जाएगी। अब इसमें चलिए इसकी जो एक इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो एज लिमिट है जिसमें सभी स्टूडेंट कन्फ्यूज थे, उसके बारे में बताने वाला हूँ कि जिसको जो एज लिमिट है वो 18 साल रखी गई है कम से कम, और मैक्सिमम रखी गई है 23 साल। ये 18 साल और ये 23 साल रखी गई है एज रिलैक्स, इसमें एज रखी गई है 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम रखी गई है 23 साल। तो इसमें बताने वाला हूँ कि जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमें 2 साल का एज रिलैक्स मिलेगा कि नहीं, तो उसके बारे में इसमें नहीं बताई गई है कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगी कि नहीं, लेकिन इसमें नहीं बताई गई कि इसमें आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली है, इसमें बताई है। अब रीड द नोटिफिकेशन फॉर एज रिलैक्सेशन। अब आपको एज रिलैक्सेशन बारे में इसके नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसमें अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि इसमें नहीं बताई गई इसकी एज रिलैक्सेशन के बारे में। अब इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल्स देखते हैं। आपको एलिजिबिलिटी डिटेल्स क्या है आपकी, आपको 10th पास होनी चाहिए, जो हाई स्कूल से 10th पास होनी चाहिए, जो एक रिकॉग्नाइज बोर्ड से। अब देखिए इसके जो वैकेंसी की डिटेल्स है, पूरी वैकेंसी की डिटेल्स, तो दोस्तों बहुत सारे बोल रहे थे कि इसमें 40,000 से कम तो 40,000 आएगी, और बाकी जो पेपर के आर्टिकल्स में दे रहे थे उसमें 90,000 तक वैकेंसी आ सकती है, जो कि कुछ वैसा कुछ नहीं हुआ है। इसमें आपको 22,424, इसमें टोटल्स तो है 25,000 वैकेंसी, लगभग 25,000 वैकेंसी है, 25,271 है टोटल, और जिसमें से मेल के लिए है 22,424 और फीमेल के लिए है 2,847। तो इसमें 40,000 की पोस्ट नहीं है, जिसका आप लोग ध्यान रखें कि इसमें 40,000 की पोस्ट नहीं है, और इसमें आपकी टोटल वैकेंसी जो है 25,271 पोस्ट रखी गई है। अब इसमें सब मैं बताता हूँ कि कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी जो इसमें BSF की जो है, BSF में आपको मेल के लिए 2,690 पोस्ट है, और ये जो है OBC के लिए 1,453 है, और EVS के लिए 641, और SC के लिए है 1,026, और ST के लिए 603। इसकी टोटल पोस्ट है 6,413 टोटल पोस्ट इसकी, और इसके मेल के लिए है 478
ओबीसी के लिए 255 और ईवीएस के लिए 113 और एससी के लिए 176 और एसटी के लिए 110, जिसकी जो है फीमेल के लिए टोटल 1132 टोटल है इसमें। अब इसमें सीआईएसएफ के लिए बताते हैं, तो सीआईएसएफ के लिए जो मेल के लिए हैं, मेल के लिए जो है 3217, ओबीसी के लिए जिसमें ये मेल के लिए है 3217 मेल में, 3217 जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए 1714 और ईवीएस के लिए 760 और एससी के लिए 1133 और एसटी के लिए 786। और इसमें फीमेल्स के लिए जो है, जो कि जनरल में फीमेल्स के लिए 359 और ओबीसी के लिए 193 और ईवीएस के लिए 88, जो कि एससी के लिए है 128 और एसटी के लिए 86 पोस्ट टोटल, 86 पोस्ट जो टोटल बनती है 854। अब इसमें जो है देखिए, यहाँ आप लोग सीआरपीएफ के लिए जो है, सीआरपीएफ की यहाँ 00 है, मतलब इसकी अभी नहीं आई हुई है। यहाँ आप लोग ध्यान दें, जो मेल और फीमेल इसमें तो सारे में लिखा हुआ है 00, मतलब इसकी पोस्ट अभी नहीं आई है। और इसमें आप देखिए, इसमें आप बढ़ सकता है क्योंकि इसकी अभी नहीं आई है, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं हुआ है। तो हद से बढ़ने से भी आप, मतलब इसमें 25,000 है तो 35,000 तक बढ़ सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ एसएसबी के लिए कितनी है, देखिए एसएसबी के लिए मेल के लिए, जो मेल और फीमेल में है, जो देखिए इसमें जनरल के लिए है 1616, ओबीसी के लिए 892, ईवीएस के लिए 380, एससी के लिए 604, एसटी के लिए 314, जो कि टोटल बनती है 3806। और यहाँ फीमेल के लिए इसमें नहीं है, फीमेल के लिए इसमें नहीं दिखाई गई है कोई भी पोस्ट एसएसबी के लिए। और जो आईटीबीपी के लिए है, मेल और फीमेल है, यहाँ यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जनरल के लिए 563, ओबीसी के लिए 250, ईवीएस के लिए 95, एससी के लिए 177, एसटी के लिए 131, जो कि टोटल बनती है 1216। और यहाँ फीमेल के लिए 117, ओबीसी जो फीमेल में जनरल के लिए 117, ओबीसी के लिए 42 और ईवीएस के लिए 8 और एससी के लिए रखी 28, जो कि एसटी के लिए 20 है, जो कि टोटल बनती है 215। टोटल जो है 215 बनती है। अब ये जो एआर वाले हैं, उनके लिए जो है मेल में इसमें है अधिक पोस्ट है, जो कि जनरल के लिए 1354, ओबीसी के लिए 615 और ईवीएस के लिए 317 और इसमें जो है एससी के लिए 391 है और एसटी के लिए 508, जो कि टोटल बनती है 3185। अब देखते हैं हम इसमें फीमेल के लिए जो है 255 है जो जनरल में, अब ओबीसी के लिए 115 और ईवीएस के लिए 60 और यहाँ जो एससी के लिए 71 है और जो एसटी के लिए वो 99 रखी गई, जो कि टोटल बनती है 600। अब जो एनआईए वाले हैं, एनआईए के लिए मेल और फीमेल दोनों में अभी नहीं बताई गई है, मतलब इसकी भी, इसकी कितनी पोस्ट है वो अभी नहीं बताई गई, मतलब ये जो है एनआईए वाले और ये सीआरपीएफ, ये दोनों में बढ़ सकती है पोस्ट, इसमें दोनों में बढ़ सकती है, मतलब इसमें तो दिखाई नहीं गई अभी कितनी आएगी, मतलब इसमें पोस्ट अभी आने वाली बाकी है। अब जो एसएसबी वाले, एसएसएफ वाले हैं, उनमें मेल के लिए 84 है जो जनरल में और फीमेल के लिए 21 है और ओबीसी के लिए, ओबीसी में मेल के लिए 49 है और फीमेल के लिए 11 और ईवीएस वाले जो हैं, ईवीएस वाले उनमें 19 दी हुई है और ये फीमेल के लिए 4, जो कि एससी के लिए 28 है और फीमेल वाले जो है फीमेल्स के लिए 7 है। अब इसमें एसटी के लिए 14 है और फीमेल में 3 है और इस तरह इसमें टोटल पोस्ट बनती है मेल के लिए 194 और फीमेल के लिए 46। इस तरह इसमें जो टोटल पोस्ट है वो 9524 है जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 4973 और ईवीएस के लिए 2212 और एससी के लिए 3359 और जो एसटी के लिए है वो 2356 है। अब इसमें टोटल पोस्ट जो है 22,424 बताई गई है, जो कि इसमें यहाँ भी बताया गया है।
अब देखिए इसमें जो फिजिकल एलिजिबिलिटी है वो भी आप लोग देखिए, फिजिकल एलिजिबिलिटी है पूरी जो जेन जो मेल है और फीमेल के लिए। तो मेल में जनरल ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट मांगी गई है वो 170 है। इसमें एससी भी इंक्लूड है, देखिए एससी भी इंक्लूड है जो कि 170 मांगी गई है। इसमें जो चेस्ट है आपके 80 से 85 सेंटीमीटर तक मांगी गई है, ये जो है मेल के लिए हो गया। और एसटी के लिए जो है मेल में एसटी के लिए 165 मांगी गई है हाइट, और आपको जो चेस्ट चाहिए वो आपको 76 से 80 तक, 80 सेंटीमीटर के। अब फीमेल के लिए जो है ये जनरल ओबीसी और एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है हाइट, और ये एसटी के लिए 155 है। और इनके लिए जो है फीमेल के लिए बस इतनी बताई गई है। अब इसमें रनिंग क्या है, देखिए रनिंग में आप लोग देखिए ये जो रनिंग है, रनिंग जो है ये मेल के लिए 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर जो कि 8.5 मिनट में, 1.6 किलोमीटर है जो कि 8.5 मिनट में है। तो ये जो है इसकी सारी डिटेल्स मुझे लगता है आपको पता चल चुकी है, जो कि मैं सारी डिटेल्स की बता चुका हूँ। अब इसमें जो आप लोग इसके जो डेट्स बताया हो उसमें आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा। बस आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।